है क्या रहा है, घूस एंडिंग के बारे में बात हो रही है, ये बुला रहे हैं। तो ये जो पारस है ना, टोटल बनाते हैं कि यहां भी मिल रहे हैं, ऐसा तो जादू मारो के बंद। आज दुनिया में ही है ना, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, है ही नहीं एग्जिस्ट भगवान, व्हाट इज द प्रूफ। बट परसीविंग एक्सपीरियंसिंग अबाउट द होली नेम, अबाउट द लॉर्ड इज बियॉन्ड ऑफ माय इमेजिनेशन। यहां पे प्रूफ है कि भगवान साक्षात थे, और दिस इज द प्रूफ है। चैतन्य महाप्रभु मंगला आरती इधर करने आते थे, कि मतलब भगवान यहाँ पे हुए और फिर चले गए, मतलब उस स्थिति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखता हूँ मैं डिवोटी को चैंटिंग करने के बाद पूरा एकदम एकदम, जैसे आदमी ड्रिंक नहीं पी लेता एकदम बेहोश हो जाता है, उसे वीडियो देखता हूँ ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, मैं देखा कि नहीं उनको, मतलब नींद नींद मार दे तो सही बोल रहे गलत बोल रहे नहीं, तब लगता है कि मैं बॉडी को माला करने के बाद देख रहा हूँ, वो देख रहे हैं कि मतलब स्टैंडिंग करने के बाद उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, एकदम होना चाहिए और पावर मिलना चाहिए, तो वो और एकदम बेहोश हो जाते हैं। बॉडी को देख के उनको ऐसा क्यों हो रहा है, होता है कि नहीं, सही बोले गलत बोल रहे हैं, मतलब चैंटिंग करने के बाद क्या उसका रिजल्ट है, वो अच्छे से सुनो नहीं नहीं, मतलब आपके अंदर भौतिक रूप से आपके अंदर प्रोडक्टिविटी आ जाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी आना चाहिए, सब आना चाहिए। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग साउंड को नहीं सुनते, आप ना हमारा माइंड के अंदर, माइंड हमें कैसे चीट करता है, माइंड कई विचार क्रिएट करता है और विचार में ही हमें रमा देता है, उस साउंड तक हम पहुँच ही नहीं पाते, और वो थॉट ऐसे होते हैं कि मतलब वो लगता है कि मतलब घूम ही रहा है, मेरा शरीर घूम रहा है, सर घूम रहा है, लेकिन ये आपके शुरुआत के स्टेज में है। शुरुआत में क्या होता है कि इसलिए बोलते हैं चैंटिंग को प्रॉपर करिए और लाउडली करिए, चैंटिंग का मतलब लाउडली। कई रिपोर्टी देख रहा हूँ आँख बंद करके माला कर रहे हैं, आँख बंद करके माला आपके लिए अभी अप्लीकेबल नहीं है, अभी हम कंडीशन सोल हैं, आँख खोल के माला करिए, आँख खोल के माला करिए और माला करते समय साउंड को सुनिए। देखिए आपके पास दो च्वाइस है, विचारों को सुनेंगे या साउंड को सुनेंगे, तो आपको हमेशा एवरी मोमेंट क्या च्वाइस चूज करना है, साउंड को सुनना है। कड़ी बड़ी को बैठाया बगल में रूम में, देखिए इतना छटपटाहट सी होने की चले गए क्यों हो रही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करे। देखिए आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, प्रैक्टिस। तो हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं 24 घंटा प्रैक्टिस करना, कम से कम आप सोचिए एक घंटा मैं बैठूंगा, एक घंटा प्रयास करूंगा। योगी लोग लाखों लाखों साल तक बैठते हैं ना, कम से कम हम एक घंटा तो शांत होकर बैठ सकते हैं, और नहीं बोल रहे 24 घंटा बैठने के लिए, एक घंटा, तो एक घंटा कम से कम। अब एक दिन आप सोचिए कि मान लीजिए आप 10 मिनट उठ जाते हैं, तो आप सोचिए कि मैं आधा घंटा तक आज बैठ के नाम को सुनूंगा, एक घंटा नहीं छोटा करिए, और जब आधा घंटा हो जाए तब एक घंटा, धीरे धीरे कम से कम आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मैं चैंटिंग बढ़िया से कर रहा हूँ और आध्यात्मिक लाइफ मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए डिवोटी कोई भी कितना समझा ले, आप अगर खुद कन्विंस है ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप समझ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस अनुभव आपको खुद करना है। हमारे सामने अगर किसी को बिठा दे उसी बोल दे, लेकिन जब तक आप कन्विंस नहीं है तब तक आप खुद आगे नहीं बढ़ सकते, आप समझ रहे हैं। इसलिए क्या है, आपको खुद से अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या है कि होश में माला कर ले, बेहोश में नहीं, क्योंकि आज लास्ट डे है। उसके बाद देखिए आज आप लोग कुछ सीखिए, सीख के जाइए, मैं आप लोगों को यही बोला हूँ इस कैंप में, आप लोग नाम अपराध से नामाभास के चैंटिंग में एक चीज़ करना है, केवल प्रॉपर प्रोनाउंस करना है और प्रॉपर साउंड को सुनना है। हमारे पास दो च्वाइस होंगे, मन के विचारों को सुनूंगा या फिर साउंड को सुनूंगा, तो साउंड को सुनेंगे, साउंड क्या करेगा, जितने विचार है ना उसको ख़त्म कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लगेगा कि हो नहीं रहा है, बार बार प्रयास करना, फिर करते एक स्टेज आएगा, आप चैंटिंग के बाद आपका इतना एनर्जेटिक हो जाएगा ना कि लगेगा पूछ क्या करना, बताइए मेरे को भी करता हूँ, आपके अंदर सेवा भाव उत्पन्न होने लगेंगे। अभी देखो चैंटिंग के बाद वो बात कर रहे हैं, चैंटिंग के बाद प्रजलवा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग को PBT में ट्रेनिंग हुआ, देखिए स्वप्न गुरु है, हम लोग जब 64 माला करते थे गोपी बाबू बात नहीं करने देते थे कि नो प्रजलवा, आप उसको एक्सपीरियंस करो, अनुभव करो उसको, क्योंकि आपने क्या है आध्यात्मिक एक्टिविटी को किया है और आपने बात करना चालू किया उसी प्रकार से है। एक क्या है जार है, और जार में क्या है पानी भरा हुआ है और आपने छेद कर दिया, आपने इतना मेहनत किया और फिर क्या कर दिया वही थोड़ा बात करके,
इसलिए आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हैं, आप लोगों को बैठ के बात करना ये सब करना नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, अनुभव करिए कि कैसा मेरा आज का अनुभव था चैंटिंग में, फिर कल दोबारा प्रयास करूँगा। दिस इज अ जर्निंग, नॉट अ डेस्टिनेशन, जर्निंग है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम एक दिन माला पहन लिया, उसे कंठी माला पहन लिए, हम भक्त नहीं बन गए, हमें पहनाया गया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज आप लोगों का लास्ट डेट है, तो लास्ट डे में ये चीज़ सीखिए कि मैं अगले साल तक आऊँ तो पोस्चर सीधा बैठिए, माला बैठते हैं। देखिए मैं भी बैठता हूँ फिर हो जाता हूँ प्रैक्टिस, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं मतलब परफेक्ट हूँ, मैं भी किसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, समझ रहे। तो इससे करने से ना कि फ्यूचर में ना आप ऐसे नहीं होंगे। आप देखिए योगी लोग क्या नशा बैठते हैं, योगी लोग ऐसे सीधे स्टेप बैठिए, पहला पोस्चर बैठ जाते कोई बात नहीं, फिर दोबारा कॉन्शियस होंगे ना, अरे प्रभु सीधा बैठने के लिए बोले थे, फिर टेढ़ा हो गया, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सीधा बैठ जाइए पहला। और दूसरा चीज़ प्रॉपर बोलना है, प्रॉपर सुनना, दो चॉइस रहेगा, मन के विचारों को नहीं सुनना है, साउंड को सुनना है, बस ये फोकस करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस फोकस करना है, बस एक एक वर्ड को। शुरुआत में अगर इतना करेंगे ना, शुरुआत में हो सकता है एक माला ना 8 मिनट में लगेगा, क्योंकि हम रगड़ा मार माला करते हैं ना, हरे हरे खा जा रहे हैं, कृष्णा कृष्णा लपेट दे रहे हैं, यही चीज़ होता है। मैं डीवोडी को बैठ के ही सुनता हूँ, बगल में रुक रुक के कैसे माला कर रहा है, हरे हरे खा जा रहे, वो उसको पता ही नहीं कि मैं सही माला कर रहा हूँ। तो ये रिक्वेस्ट है, इसको करिए। ये बात को इसलिए बोल रहा हूँ प्रभु, क्योंकि मैंने 5 साल 6 साल के बाद मैंने मिस्टेक पाया था कि मैं गलत माला कर रहा हूँ। मैंने इसीलिए कसम खाया था कि मैं जो नए डिवोटी हूँ उसको पहले से बता दूंगा, प्रभु ये गलती मैं करता हूँ, आप मत करना, आपका समय बचेगा। हरि राम प्रभु की जगत शिला प्रभु की जय।